नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज जो हम सब्जी के बारे में बात करने वाले हैं, उसका हमारे हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और इस फल को बोला जाता है, इसे बोला जाता है आईवी गार्ड, और इसका साइंटिफिक नेम है कॉक्सिनिया ग्रैंडिस, और इसे आयुर्वेद में बिंबी फल बोला जाता है। और आयुर्वेद में इसका बहुत ही ज़्यादा उपचारी पौधा के रूप में वर्णन हुआ है, और ये बहुत सारी बीमारियों के लिए रामबाण इलाज है। इसके फल के साथ साथ इसकी जो पत्तियां होती हैं वो भी काम में आती हैं दवाई बनाने में, चाहे इसकी स्टेम भी काम में आती हैं, इसकी फूल काम में आती हैं, या फिर अगर हम इसकी रूट्स की बात करें तो इसकी जो रूट्स होती हैं वो भी बहुत सारे बीमारियों के लिए रामबाण इलाज है। इसका अगर हम बात करें तो ये जो पौधा है ये नॉर्मली गर्मियों और बरसात में इसके फल के लिए उगाया जाता है। साउथ में ये बहुत ही आसानी से बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और इसकी दो वैरायटीज़ होती हैं, एक तो जंगली वैरायटी होती है और ये जो होती है मीठी वैरायटी होती है, जो जंगल में फलता है वो थोड़ी कड़वी होती हैं। और इसका जो प्रोपिगेशन अगर हम बात करें तो ये बहुत ही आसानी से अपने स्टेम के थ्रू प्रोपिगेट किया जाता है। इसकी जो ओल्ड ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि ऐसी ओल्ड ब्रांचेस अगर आप इसका कटिंग के थ्रू लगाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से कटिंग के थ्रू लग जाएंगी। और मैंने जो मगर ये पौधा लगाया है, ये लगाया है कंद के थ्रू लगाया है, जो कि किसी ने मुझे गिफ्ट किया था, और ये बहुत अच्छे से फल रहा है। इसका कंद जो होता है वो सेम एस्पेरगस के ही जैसा होता है, और कंद के थ्रू ही मैंने ये पौधा तैयार किया हुआ है। और आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ भी आपको ये पौधा दिखेगा, जहाँ जहाँ पत्तियाँ वहाँ पर आपको बहुत सारे फल दे रही है। इसे अगर बहुत हार्डी पौधा है, बहुत केयर की ज़रूरत नहीं है, मगर इसे अच्छे से अगर आप रखेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से फल प्रोवाइड करेगा। और जहाँ जहाँ भी इसकी नोट्स होती हैं, जहाँ जहाँ पे नोट्स से इसकी पत्तियाँ निकलती हैं, वहाँ से आपको देखेंगे तो फल वहाँ पर आपको लगना चालू हो जाता है। और इसकी दो पौधे होते हैं, एक मेल प्लांट होता है, एक फ़ीमेल प्लांट होता है। तो ये जो मेरा वाला है फीमेल प्लांट है, इसीलिए इस पर बहुत सारे फल लगे हुए हैं। और इसके फूल वाइट कलर की होती हैं और वो सुबह में ही खिलते हैं। इसका नाम आपको आईवी गार्ड इसलिए समझ में आ रहा होगा क्योंकि इसकी जो लीफ है उसकी जो शेप है सेम जो हमारा इंडोर प्लांट होता है आईवी, जो इंग्लिश आईवी होता है उसके जैसे ही होती है, इसलिए इसका नाम आईवी गार्ड है। और इसकी सारी पार्ट्स जो होती हैं, चाहे लीफ हो या फिर इसकी स्टेम हो या फिर इसकी रूट्स की बात करें, चाहे फ्रूट्स की बात करें, चाहे फ्लावर की बात करें, वो सारे जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कई बीमारियों में रामबाण इलाज है। और आयुर्वेद में इसको बहुत ही अच्छा स्थान मिला है। और तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी हेल्थ बेनिफिट्स हैं और ये कौन कौन से बीमारियों के उपचार में लाया जाता है। अगर हम इस वेजिटेबल का बात करें तो ये वेजिटेबल होता है, प्रोटीन में रिच होता है, इसमें रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें फाइबर होता है, इसमें आयरन होता है, इसमें कैल्शियम पाया जाता है और इसमें पोटेशियम पाया जाता है। उसके साथ साथ विटामिन बी और सी भी पाया जाता है। रिसर्च में ऐसा बोला गया है कि अगर आप प्रतिदिन 50 ग्राम किसी भी रूप में वेजिटेबल के रूप में अगर इसको आप खाएँगे तो आपकी जो हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर बीपी की प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाता है। उसके साथ साथ इसकी जो रूट्स होती हैं उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, और इसकी लीफ भी खाई जाती है, उसके साथ साथ इसका फल भी खा जाता है। तो मान के चलिए कि इसके जो पूरे पार्ट्स हैं वो सब खाए जाते हैं। तो इसका अगर हम बात करें कौन कौन से बीमारियों में इसकी जो पत्तियाँ होती हैं ये उपयोग की जाती है, तो इसकी जो रूट्स होते हैं उसको अगर आप पेस्ट बना के उसको 3 से 5 ग्राम अगर आप डेली किसी भी बच्चे को देंगे जो कि बेड बेटिंग करता है या फिर बेड पे सुसु करता है तो वो रुक जाता है। सेकंड इसका यूज़ है कि ये माउथ अल्सर के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप इसका जो फल है, कच्चे फल है, उसको अगर आप खाएँगे तो आपके चबाएँगे तो इसका जो माउथ अल्सर है वो ठीक करता है। इसकी अगर हम पत्ती की बात करें तो इसका नाम आईवी गार्ड इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी जो पत्ती है वो इंग्लिश आईवी जो होती है, इंग्लिश आईवी जो हमारा इंग्लिश आईवी जो इंडोर प्लांट होता है उसकी तरह होता है, तो इसीलिए इसका नाम आईवी गार्ड रखा गया। और इसकी पत्तियाँ बहुत ही सुंदर होती हैं और इसकी जो फ्लावर्स होती हैं वो वाइट कलर की खिलती हैं। तो इसका जो पत्तियाँ हैं अगर हम इसका लेप लगा के किसी भी स्वेलिंग हुआ है कोई पार्ट में या फिर पेन है तो वहाँ पर अगर इसकी पत्तियों को गर्म करके हम लेप करेंगे तो वो स्वेलिंग और वो जो पेन होता है वो कम हो जाता है।
डायबिटीज़ के लिए इसका जो लीफ का फ्रेश जूस होता है, लीफ या फिर रूट का जो फ्रेश जूस होता है, वो अगर 10 to 50 ml अगर हम लेंगे तो ये डायबिटीज़ कंट्रोल करने में भी बहुत लाभदायक है। इसकी जो लीफ जो होती है, उसकी लीफ का अगर आप पेस्ट लगा के किसी भी एक्जिमा या रिंग वॉर्म में लगाएंगे तो उसके लिए भी लाभदायक होता है। और रिसेंट स्टडी में ये भी पाया जाता है कि 50 ग्राम को कुंदरू अगर आप डेली मील में अगर प्रोवाइड करेंगे तो वो आपको जो हाई ब्लड प्रेशर होता है और वो जो हार्ट का जो प्रॉब्लम होता है वो ठीक करता है। ये बहुत सारे नामों में जाना जाता है, जैसे कि हम इसको कुंदरू बोलते हैं, ईवी गार्ड बोलते हैं, और बंगाली में इसको टेला कुचू बोलते हैं, और तेलुगु में कोकी डोंडा बोलते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम से जाना जाता है और ये बहुत सारे उपचारों में भी यूज़ होता है। आयुर्वेद में इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग दिया गया है। और इसका अगर हम बात करें तो ये किडनी जो स्टोन होता है, किडनी की पथरी जैसे भी रोगों के लिए रामबाण इलाज है। इसमें एक ऐसा कैल्शियम पाया जाता है, यूज़फुल कैल्शियम पाया जाता है, जो कि जो अगर आपके किडनी में किडनी में जो पथरी हुई रहती है उसको भी गला देता है, क्योंकि इसमें इसके जो फ्रूट है उसके फल में बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा होती है और वो पथरी को गलाने में भी कामयाब होता है। अगर हम बात करें इसका कैंसर में, तो कैंसर के रिसर्च में भी इसका उपयोग का यूजेस हो रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फल है जो कि बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स के साथ है। हाँ, मगर इसका एक ये भी है कि इसके आयुर्वेद में इसके कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट भी हमारी बॉडी पे देखे गए हैं। जैसे कि इसका रेगुलर बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये जो पौधा होता है वो आपके जो मेंटल होता है वो आपका इंटेलिजेंस लेवल को डिक्रीज़ करता है, मगर इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं बताया गया है। और दूसरा इसका एडवर्स इफ़ेक्ट ये बताया गया, इसका भी कोई प्रूवन साइंटिफिक प्रूवन कोई रिसर्च नहीं है, मगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती हैं उनको ये थोड़ा सा फल कम देना चाहिए, क्योंकि इसका ज़्यादा इनटेक शायद उनके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये दो छोड़ के ये जो बिंबी फल होता है जिसको आयुर्वेद में बहुत सारे उपचार में काम लाया जाता है, ये बहुत अच्छा है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा बहुतों के साथ और इस फल का मज़ा उठाइएगा। और ये आप अपने गार्डन में भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फलता है और सुबह के टाइम इसका फूल खिलता है और आप देख रहे हैं कि जहाँ तहाँ इसका फल पूरे लताओं में फैला हुआ है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।